दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ जेएलएन हॉस्पिटल जो कि पहले हमने मेन बिल्डिंग को 650 बेड कोविड के रूप में कन्वर्ट कर रखे थे दो तारीख से हमने उनको सभी पूरे बेड्स को और जेएलएन को पूरे को हमने एक नॉन कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया है और वहाँ सभी प्रकार की एक्टिविटी जो पहले चल रही थी ओपीडी आईपीडी ऑपरेशंस वो हमने चालू कर दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जिन ओपीडीज़ में हमारी भीड़ थी उन ओपीडीज़ को उनमें हमने डिस्टेंसिंग कर दी है जैसे मेडिसिन ओपीडी में सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी हमने तो मेडिसिन ओपीडी की जगह जो स्किन और मेडिसिन की थी स्किन को दूसरी जगह हमने कन्वर्ट कर दिया है और वो जगह केवल मेडिसिन के लिए हमने छोड़ दी है तो हम उसका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं टेस्टिंग की जहाँ तक बात है हमारे यहाँ इस कोविड के लिए राज्य सरकार ने हमको लगभग 5 करोड़ का बजट अलॉट किया था जिसमें हमने अत्याधुनिक जितनी भी सुविधाएं और मशीन कोविड टेस्ट करने के लिए ज़रूरत थी वो हमने उपलब्ध कर ली हैं कुछ मशीन्स आ चुकी हैं कुछ आना बाकी है विशेष तौर से एक जो हम आरएनए एक्सट्रैक्शन जो मैनुअल करते थे अब हमारे पास एक ऑटोमेटेड आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन आ गई है जिसकी कैपेसिटी लगभग 96 टेस्ट वो करीबन 40 से 50 मिनट में वो कर देती है तो अब हमारी कैपेसिटी है जो कि पहले 1000 टेस्ट पर डे की थी पूरे लैब की अब हमारी कैपेसिटी लगभग 1500 से लेके 2000 के बीच में हो जाएगी इसके अलावा राज्य सरकार ने हमें लगभग 23 कार्मिक जिसमें से टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन मेडिकल ऑफिसर्स एंड रिसर्च एसोसिएट भी हमें सेंक्शन कर दिए हैं उनके भी हमने भर्ती शुरू कर दी है उम्मीद है कि आज कल में हम उनको अपॉइंट कर लेंगे तो हमारे पास अब मैन पावर की भी कमी नहीं रहेगी जहाँ तक अस्पताल की बात है अभी हमारे यहाँ केवल 3 मरीज एडमिट हैं हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव और सस्पेक्टेड में 25 सस्पेक्टेड में हमारे भर्ती हैं ज़्यादातर सस्पेक्टेड में हमारे पास जो प्री ऑपरेटिव हैं जैसे कि राज्य सरकार के एक आदेश थे कि जिनका भी ऑपरेशन करना है या जिनकी भी डिलीवरी करवानी है उनके पहले कोविड टेस्ट करना ज़रूरी है इसलिए ज़्यादातर हमारे पास वो हैं बाकी हमारे पास कोई सीरियस मरीज आज की डेट में कोई सीरियस मरीज़ नहीं है